बहुत ही ज्यादा मजेदार वीडियो लेकर आए हैं। एल्विश यादव का एटीट्यूड भाई, सैवेज मूमेंट्स इन बिग बॉस देखेंगे, बहुत ज्यादा मजा आएगा भाई। फाइनली ये जो है ना फुकरा इंसान, वो फाइनल की टिकट मिल चुकी है एल्विश यादव का ना, मुझे पता शायद उनको भी मिल गई हो, लेकिन अविनाश जो है वो बाहर हो गए हैं अभी इस शो से। तो बिल्कुल, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, देखते हैं। चलिए चलिए नहा लेते हैं, कपड़े निकाले, इकट्ठा नहाएगा। हां साबुन लगा दियो मेरे, तू लगा दियो मेरे साबुन यहां पीछे, तुझे लगाने है यार, कॉपी मत कर। चल ठीक है, मैं तेरे पीछे लगाऊं, तू मेरे आगे लगा दियो, ठीक है? हो गई, आओ। चाहिए तुझे प्याज? अरे मैं ऐसे नहीं खाता, मैं दाल में चाहिए। अरे वो क्या मुक्की मार के प्याज क्या होता है, लाल मसाला वसाला डाले हुए मुक्की मार के ना रहे वो कुछ और रहा है। चलो प्याज खाने का मजा तब है जब उसे देखिए वो वीडियो। प्याज का मजा ही तब आता है जब उसे मुट्ठ मार के खाया जाए। मैं भी कूल लगा बराबर का, तुम्हें तो क्या नहीं मिल रहा? अरे मुझे ना चाहिए कुछ भी, तुम्हें जो चाहिए था मिल गया। ए जल्दी ला, ले ले जा। टिप दूंगा 100 रुपए। तो मत पी, मैं तो ले टिप दूं, टिप। ए छोटो थोड़े पीनट्स लाइयो, ले पीनट्स। अभिषेक कैसा लगता तेरे को? कोई भी बंदा सोशल मीडिया का नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कोई सीधा साधा साधारण लौंडा जिसको कोई ना जानता हो। हमारे पीछे किराएदार रहे उस सब तू देख चैटिंग अलग बिहेवियर होता है तेरा। जी ऐसा ऐसा तूने नोटिस किया है कुछ? मैं बातें सुन रहा हूँ, कितनी अच्छी बातें हैं, मुझे याद आ रही है आशिका की। नहीं आशिका की नहीं, अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी गर्लफ्रेंड्स की, जिन्होंने धोखे दिए मुझे, उनकी बातें थोड़ी सेम सी लग रही। भाई पूरे चोट मारते हैं। क्या कर रहे हो तुम? हम तो सिस्टम ही सिस्टम कर रहे, करोगे सिस्टम हमारे साथ? जब सिस्टम है ही बाहर यहाँ पर, तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ भी सिस्टम दिखाना है, सिस्टम है। दोस्ती है हमारी भाई, सिस्टम है दोस्ती यारी का। डेविल है सिस्टम है डेविल का। एल्विश क्या बोलते हो, यहाँ का सिस्टम कैसा लगा यार आपको? किसी की दो दोस्त तूने अपनी दोस्त बना ली भाई, सिस्टम है। एक बारी में आके तूने पूरा घर पलट दिया भाई, सिस्टम है। सिस्टम है। एल्विश ने बोला अगर मैं इसका तभी सोऊंगा जब ये कडल करेगी, कडल चिपट के सो रहा। तो वो कह रही है मैं चिपट तो जाऊंगी, पर मेरी एक गलती है, मेरा हाथ गलत जगह चल जाते हैं नींद में यार, जेन्युइनली नहीं। जेन्युइनली सोच, नींद में इतना मजा आया तो जेन्युइनली क्या ही होगा। लग तो नहीं रहे कपड़ा, नहीं है अंदर कपड़ा, मुंह ही है अंदर पहन। यस दिखाऊं? दिखा, आ जा अंदर, मुंह देखा जी, देखना पड़ेगा ऐसे ना दिखे। बेबी का जी आपको देख के मुझे बहुत सारे जानवर याद आते हैं, कभी वेल याद आती है, कभी डॉल्फिन याद आती है, बहुत बड़े बड़े जानवर याद आते हैं, पर मुझे कभी कुत्ता याद नहीं आता। आपको पता है क्यों? क्योंकि क्योंकि कुत्ते वफादार वफादार होते हैं। कुत्ता बनने नहीं आई हूँ बेटा। बेबी का जी उन बच्चों की तरह जो गाड़ी में आगे बैठ के सारे बटन बुटन छेड़खानी करते हैं, पर और दिल करता है उनके एक लाफा मार के उन्हें चुप करा दें, पर रिश्तेदारों के डर से रह जाते हैं। तो आप गलत हत्ते चढ़ रहा है तेरे को पड़े। अविनाश को पीछे से जाके हक कर लो, कहते मेरे अंदर भी कुछ आ रहा, मेरे अंदर पलक आ रही है। एक बार थोड़ा ऐसे कर दीजिए, मेरी मम्मी सोच रही होगी देख क्या कर रहा, मैं कह रही हूँ सोने के टाइम पे देख छोरी की मालिश कर रहा, ये सब मैं दोस्ती
और इंसानियत के नाते आवाज मत निकाल गंदी गंदी। चटनी भी खावे क्या तो ये वाली? नहीं नहीं चटनी नहीं, बस भिंडी रोटी। चटनी लगा ले। और फ्लेवर आ रहा है चटनी से। तुम्हें सुबह दिक्कत होती होगी ना? नहीं। अब आप चुप रहो। क्यों रहूंगा? क्योंकि मेरे से पूछा है। तो मैंने जवाब दिया ना। तो ये मत बोलो कि बार बार की बीच में जो बोलना है मैं बोलूंगा। आपने मेरे से पूछा, मैंने आपको बताया हीरो नंबर वन नहीं है, कहीं से कुछ भी नहीं है। हाँ, तो मैंने जवाब दिया। हीरो का एच भी नहीं है। हाँ, तो बीच में दोबारा आप बोल रहे हो। बीच में नहीं बोल रहा हूँ जवाब। मैं दोबारा कुछ बोलूंगा फिर आप बोलोगे इस पे चला गया उस पे चला गया। मैं बोलूंगा जो अपना जवाब। हाँ, तो सिस्टम में मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता तेरे सिस्टम से। मैं कुछ भी कहूँ सिस्टम ने दांत तो लिया। हाँ, दांत ही टूटेंगे यार। मैं तो ये सिस्टम ही नहीं समझ पा रहा हूँ। समझ नहीं पा रहा हूँ। बोले तो मतलब अपनी वेल्थ बढ़ा रहा हूँ मैं। वेल्थ, धन, घर बार, जमीन, पैसा, उस पे ध्यान है मेरा कि कल ये पीक रहे ना रहे तो उसका आज ही फायदा क्यों ना उठा ले। सही बात है, समझे? अक्सर इस उम्र में लड़का लोग लड़की पे ध्यान देते हैं, पर आप जिस पे ध्यान दे रहे हैं आगे चल के लड़की आप पे ध्यान दे भी देती है। कैसा लगा? यही तो सुनना चाह रहे थे। मेरे मैसेज भरे पड़े। दम 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 दम। बड़े बड़े बंगले नो विद गार्डन एंड लॉन। ये क्या होता है? गार्डन? आप सड़क पर से ऐसे उठ के वहीं पे ब्रश करते हो? हाँ, सड़क पे सो जाते हैं कभी हम, क्योंकि सड़क अपने बाप किया। मेरे बॉलीवुड के ओटीटी एडिशन में सबसे ज्यादा धमाल मचा रहे हैं एल्विश यादव। और कुछ दिनों से तो समझो कि एल्विश वर्सेस सलमान खान चल रहा है। जी हाँ, और सलमान खान को भुगतना पड़ेगा इस लड़ाई में, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। इसके मजे लेने अविनाश के, जब तक ये इधर है तब तक तो ये मेरे हाथों के नीचे से जाएगा नहीं। और जिया भी बस अलग भी अलग तो चलो क्या ही है, जिया तो है। ऑल दो भाई तुम्हारी दोस्त है जिया, बट फिर भी छोड़ दूँ? छोड़ उसको, छोड़ दे। नहीं मेरे गुलाम तेरा कत्ले आम, अब क्या पता आने अलाउड नहीं बेबी का। सर को झुका के मुझे कर सलाम, तूने की है खता। तो रुको जरा, सबर करो। क्या बात है, कैसे करूँ यार, तुझे तो पर बात करूँ। आउट। एक रन तो भी ना देखना, देख देख कैसे जीतूंगा मैं। रुक जाओ, चीटर साला, चीटिंग कर क्या हो गया? देखो फेक तो मेरे से कुछ होता नहीं है पहली बार। आवाज़ सही है। गलतियों को भी समझ, मैं समझाऊंगा तुझे बाद में अकेले में। तुम नोटिस नहीं कर रहे हो? मुझे कौन समझा रहा? ये ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को हेट है फुकरा इंसान से। मेरे को अभिषेक भी बहुत पसंद है, आई लव हिम, बट एल्विश एल्विश है यार, उसके सामने कोई नहीं है। सिस्टम है जी करा के भाई, इंच दे तो आके टायर कम दे तेरे शहर कम दे। यस, पानी चाहिए। लेकिन एल्विश देगा, एल्विश देगा जी। है मम्मी है ना, कह रही पानी चाहिए, पानी एल्विश देगा जी। सुन लेना, आंटी मैंने इसमें डाला है सिर्फ पानी। हमको इन जनरल दिया कि आपने घर को घर बनाया और हम घर को बाथरूम बना रहे हैं। जाते जाते बस एक ही गाना आपको सुनाएंगे। बताओ।
सुनो ससुर जी, अब जिद्द छोड़ो, मान लो मेरी बात, आपका बेटा लाएगा मेरे घर ही बारात। बस अभी कुछ नहीं बोलना अंकल, इस पे मत कुछ बोलेगा, बाय, टेक केयर। देख लो, कभी सुना कभी सनम बेवफा गाना गाना पड़ेगा। क्या बोले? ये थी आज की वीडियो भाई, मजा आ गया यार। ऋषि यादव की वीडियो फनी वीडियो थी, और जो लेटेस्ट वीडियोस होती है वो देख के और ज्यादा मजा आता है। न्यू होती है, पुरानी नहीं होती, तो उसमें जो रोस्ट करते हैं और जो सबको इतने अच्छे से तरीके से जो ये बिग बॉस अभी खत्म होने वाला है ना, बस अभी थोड़ा ही टाइम है इसको खत्म होने में, क्योंकि फाइनलिस्ट जो है वो चुने जा चुके हैं। मनीषिका जो है शायद वो भी फाइनलिस्ट बन चुकी हैं, और फुकरा इंसान भी और भी है, मुझे लगता है 3-4 बंदे होंगे, क्योंकि इतने ज्यादा हाउस में मेंबर्स थे, अभी वो खत्म हो रहे हैं, तो इसका यही मतलब है ना कि पूजा वर्त तो अभी तक है, ये पूजा ये भी निकल जाएगी मुझे तो लगता है, या मे भी ये रहे है ना, पता नहीं क्या हो सकता है, क्योंकि ये तो शो वालों पे डिपेंड करता है, वो जिसको चाहे उसको ही फाइनल में भेज देते हैं। लेकिन वोटिंग का हिसाब भी वो रखते हैं कि वोटिंग जिसको ज्यादा होगी फिर उसी हिसाब से लोग रखते भी हैं, लेकिन यार एलविश यादव का सिस्टम ही अलग है भाई, सबसे ज्यादा सिस्टम उनका अलग है, सबसे ज्यादा मुझे लगता है उनकी वजह से ना लोगों को अभी ये जो बिग बॉस है इसको देख भी रहे होंगे, उन्हें खुद पता मजा आ रहा है ये देखने में, क्योंकि उन्हीं की वजह से इसमें मजा आया है, लोग जो उनके फॉलोवर्स थे उन्हें पता चले कि यार वो एक शो में गए हैं, वहाँ पर जाकर फिर लोग उनके फॉलोवर्स जब देखते हैं तो उसकी रेटिंग शो की खुद बढ़ जाती है, इतने ज्यादा जितने ज्यादा लोग उनके साथ जुड़ेंगे उतनी ज्यादा उनको मुनाफा होगा, प्रॉफिट होगा। और भाई जो लड़ाई हुई थी उनकी आपने देखा था, उनमें काफी ज्यादा ना सलमान खान के फॉलोवर्स भी गिर चुके थे, और अभी उनके बहुत ज्यादा अगेंस्ट लोग हो चुके हैं, सलमान खान को तो पहले ही बहुत ज्यादा लोग बहुत ज्यादा वजह से नहीं पसंद, शायद ये वैसे शो खत्म होंगे ना जब ये होगा तो फिर मुझे लगता है मतलब हो जाएगा लास्ट पे जो कोई ना कोई ऐसी बात जरूर करेंगे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि ऐसे एक शो का एंड हो, नफरतें बढ़े, बिल्कुल। तो लेकिन फिर आपको पता है लोग बहुत ज्यादा बातें होती हैं जो कभी भूल नहीं पाते, उनको याद रखते हैं, लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि शो है शो की हद तक सब कुछ रहना चाहिए। अविनाश के साथ उनका जो है वो एक शो की हद तक ही था, बिल्कुल वो कोई बिल्कुल बाहर चलकर तो आपको पता ना उन्होंने कभी मिलना है ना कुछ, तो बाद में जाके भी उनकी सब कुछ ठीक हो जाता है, ये जब फाइनलिस्ट कोई भी होगा तभी इन सब ने बहुत ज्यादा ठीक हो जाना है, तो भाई हम लोग ऐवें इनके पंगों में पड़ते रहे। लेकिन यार एलविश यादव को जो प्यार करते हैं ना लोग, उन्होंने बहुत ज्यादा सलमान खान को हेट किया था इस वजह से, अनफॉलो किया था उन्हें, बिल्कुल ये सारा कुछ हुआ था काफी ज्यादा, तो काफी अच्छी वो एक एक्टर हैं, उनकी मूवीज आने वाली हैं, तो जब वो इस तरह की बातें बोल देते हैं तो उनकी मूवीज पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है, लोग देखना बंद कर देते हैं, तो ऐसी चीज़ें मुझे नहीं लगता कि होनी चाहिए। लेकिन मज़ा आ गया वीडियो देख के, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, थैंक यू।